दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। दोस्तों क्या आपको पता है कि ध्वनि किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, इसे स्वनिम भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि फिर वाक्य क्या होता है? तो वाक्य भाषा की सार्थक इकाई को कहते हैं, यानी वाक्य जो होता है वो भाषा का सार्थक इकाई होता है। और वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है, उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध, पदबंध की छोटी इकाई पद, और पद की छोटी इकाई अक्षर या वर्ण, और अक्षर की छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। वर्ण किसे कहते हैं? तो दोस्तों ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, और इन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। चूंकि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, और अक्षर का अर्थ जो है अनास्वान होता है। अनास्वान का मतलब इसे अब और तोड़ा नहीं जा सकता, इसे हम खंडित नहीं किया जा सकता। और वर्णों के प्रकार पूछें तो दोस्तों कितने होते हैं? तीन। कौन कौन? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो दोस्तों वर्णों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी जान लेते हैं, तथ्यों को जान लेते हैं। तो देवनागरी लिपि में या लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितना है? 52। और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितना है? 45। और मूल स्वर या फिर मूल वर्ण जो है कितना है, वो कितने हैं? 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। दोस्तों स्वतंत्र वर्ण या स्वर पूछा जाए तो कितना है? 11 है, अ से लेके अ तक। और दोस्तों परंपरागत स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 13 है, अ से लेके अह तक। और दोस्तों उच्चारण के आधार पे यदि वर्ण पूछा जाए या स्वर पूछा जाए तो कितने हैं? 10। इसमें री को छोड़ दिया जाता है और अ से लेके अ तक होता है। तो दोस्तों हिंदी में, हिंदी की इस श्रृंखला में आज इतना ही। और वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक देना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।